हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो ये वीडियो है ये मैं NIOS बच्चों के लिए बना रहा हूं और जो टॉपिक है वो है हमारा आज यूनियन और इंटरसेक्शन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूनियन, और इंटरसेक्शन ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं दो सेट लेता हूं, सेट ए, और सेट ए के अंदर में देखिए एलिमेंट है आपका 1, 2, 3, 4 ठीक है। और एक सेट लेता हूं मैं सेट बी, और इसके अंदर में जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन। यूनियन में क्या होगा, सेट ए का सारा एलिमेंट और बी का एलिमेंट जो होगा उसको हम एक जगह लिखिए तो वो कहलाएगा ए यूनियन बी ठीक है। उसको वेन डायग्राम से मैं यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे ये आपका यूनियन के लिए ये आपका मान लीजिए कि सेट ए है ठीक है, और ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो सेट ए का सारा एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट और सेट बी का सारा एलिमेंट हम लोग को लिखना होगा ठीक है, तो उसे हम यूनियन कहेंगे। देखिए अभी यहां मैं लिखता हूं ए यूनियन के लिए, इस प्रकार का साइन का साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी, इसे हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। और ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, 4 था, हम लोगों ने यहाँ पे 2, 4 लिख दिया है, इसको रिपीट नहीं करना है। और उसके बाद और बी में एक एलिमेंट जो है बच जा रहा है उसको भी हम लिख देंगे, तो ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। उसी प्रकार से अब हम लोग बात करें अगर इंटरसेक्शन का, तो उसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए सेट ए है और मान लीजिए कि ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इनका जो कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो ठीक है, कॉमन हो दोनों के बीच में, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन, उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम हो गया इंटरसेक्शन का ठीक है। और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्शन को, हम लोग ऐसे साइन देते हैं देखिए, और फिर भी ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें भी 2, 4 है, इसमें भी 2, 4 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, 4, ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। यूनियन इस प्रकार से निकालते हैं और इंटरसेक्शन इस प्रकार से निकालते हैं ठीक है। अब आपके बुक का क्वेश्चन सेट, आपका एक्सरसाइज जो है चेक योर प्रोग्रेस 1.3, उससे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक योर प्रोग्रेस का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और यहां पे देखिए ए और बी दिया गया है, बी 1 का पहले हम लोग देख लेते हैं। ए इक्वल टू यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये आपका ए का एलिमेंट है ठीक है। और बी का एलिमेंट दिया गया है, बी में दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए जे जो होता है ये इंटीजर्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए, एन जो होता है नेचुरल नंबर के लिए। तो देखिए
इंटीजर में सारा का सारा नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर में सारा का सारा नेचुरल नंबर आता है, मतलब कि अगर हम कह दें कि ये सेट ए है, ठीक है, तो इसके अंदर में एक सेट बनेगा बी, इसके अंदर में एक सेट बनेगा बी जिसमें सारा नेचुरल नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिया जाता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिया जाता है, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स होता है, मगर सारा का सारा इंटीजर्स जो है, सॉरी, सारा का सारा इंटीजर्स इंटीजर्स में नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर में इंटीजर्स नहीं आएगा, है ना, बात समझ रहे हैं। कॉमन जो है इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो इसीलिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं इन्फिनिटी, उसके बाद में फिर आपका डॉट 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन फिर जीरो और उसके बाद वन टू थ्री फोर, इस तरह से ये डॉट डॉट इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा जो है, ये सारा आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपका सेट क्या हो गया, ये सेट ए हो गया जो दिया गया कि इंटीजर होगा। और यहाँ पे यहाँ से लेके नेचुरल नंबर जितना है ये आपका क्या है, सेट बी है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो कॉमन है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी किस प्रकार से होगा, x such that x belongs to n, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दिया गया था, a सेट a के अंदर में कुछ नाम लिखा हुआ है, राम, रहीम, गोविंद, ठीक है, और एक नाम है, और एक है गौतम, गौतम, ठीक है ना। और सेट बी में भी कुछ नाम दिया गया है, सीता, मीरा, फातिमा और मनप्रीत, अब देखिए दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, सेट ए सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाइव, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में उसी प्रकार से सेट ए दिया गया है, इसके अंदर में एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव, और सेट बी में कुछ एलिमेंट दिया गया है, इसके अंदर में जो एलिमेंट है वो है आपका फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। अब हम लोगों को निकालना क्या है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था कि दोनों एलिमेंट लिखना है, ए का और बी का। एक अगर हम लोग लिखे वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, रिपीट नहीं करना है, फाइव दोनों में है, रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में बी का एलिमेंट क्या बच रहा है वो लिख दीजिए, सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। तो ये हो गया ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है हम लोगों को, कॉमन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, फाइव है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये यूनियन और इंटरसेक्शन का क्लास समझ में आया होगा। अगर ये क्लास समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।